सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो आज के स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट करूंगा नहीं आप लोगों का, क्योंकि सीधे पॉइंट पे आता हूं मैं आप लोगों को आज क्या बताने वाला हूं। तो मैं आप में से बहुत सारे लोगों का एक सवाल आ रहा था कि भैया हमें दो ऑप्शन में से क्या चूज़ करना चाहिए, यानी कि मुझे इंटरव्यू जो है वो वॉक इन देना चाहिए, जाके सीधा कंपनी में देना चाहिए, या घर से ही अप्लाई करना चाहिए, कॉल पे सिलेक्शन लेना चाहिए और सिलेक्शन हो जाने के बाद कंपनी में आना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल से हैं, उत्तराखंड से, दूर दूर से हैं, तो वो नोएडा आके एक दिन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो उनके लिए कॉल पे भी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो उनके लिए मैं वो सिचुएशन या वो क्राइटेरिया भी बता दूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो टेक महिंद्रा बीपीओ के लिए, और नहीं तो आप वॉकिंग जाना चाहते हो तो वॉकिंग भी कैसे जा सकते हो, वो एड्रेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले थोड़ा बहुत मैं खाना बना लेता हूँ, क्योंकि आज घर से ही काम करना है। तो घर से काम करना है तो थोड़ा बहुत खाना बना लेता हूँ, थोड़ा सेविंग वगैरह के बारे में सोच रहा हूँ, तो देख लेते हैं क्या करना है। वगैरह मैंने बना लिया है, ये पत्ता गोभी की सब्जी और यहाँ पे चावल बन के रेडी हो गया। मेन काम मुद्दे की बात पे आते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले बढ़ते हैं हम मेन मुद्दे की तरफ। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन कैसे टेक महिंद्रा में अप्लाई कर सकते हो, और साथ ही साथ मैं आपको और दो रास्ते बताऊंगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, तो लिंक जब आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा खुलेगा, यहाँ पे आपको साथ ही साथ शो हो रहा है। लिंक खुलने के बाद आप ऊपर में देख सकते हो टेक महिंद्रा एग्जीक्यूटिव के लिए, जॉब रोल के लिए, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए आपकी हायरिंग चल रही है, 12th ग्रेजुएशन कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। अब नीचे करते रहोगे तो जॉब रोल क्या है आपका, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्राइटेरिया होती है, क्या क्या आपसे, ज़्यादातर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और क्या क्या लेकर जाना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई है। थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ जॉब रोल के बारे में कंपनी की डिटेल आपको बताई गई कि टेक महिंद्रा कैसी कंपनी है, क्या क्या काम होता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आपको बताई गई। यहाँ पर कंपनी का एड्रेस है वो भी आपको दिख रहा है। थोड़ा सा और नीचे करोगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि किसने ये जॉब पोस्ट की, बेसिकली ये रेडिट है वहाँ पर जॉब इन्होंने पोस्ट की है, इनका नाम है चंदन, ये वहाँ का मैनेजर है जो कि आपका इंटरव्यू लेंगे या आपको कॉल करके आपके सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। बेसिकली यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए दो रास्ते, एक रजिस्टर एंड अप्लाई है, एक है आपका लॉग इन अप्लाई। रजिस्टर एंड अप्लाई पे जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे वगैरह सेंड करना है, अपना नाम, डिटेल, मोबाइल नंबर, जीमेल वगैरह सब कुछ वहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप लॉग इन अप्लाई पर करते हो तो वहाँ पे आपको अपने मोबाइल या जीमेल आईडी पासवर्ड देके लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे आप लॉग इन करते हो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, यानी कि आपने वहाँ पे उसको सबमिट कर दिया उस जॉब रोल के लिए। तो तुरंत ही आपको 10 मिनट 5 मिनट के बाद में एक मेल आता है। देखो, मेरे को यहाँ पे एक मेल आ गया है कि मैंने इस जॉब रोल के लिए अप्लाई किया। तो मेल आने के बाद क्या होगा कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल वगैरह सारी चीज़ उनके पास चले गई, वो आपको उधर से कॉल बैक करेंगे। जो भी वहाँ के एग्जीक्यूटिव होंगे, जो भी एचआर होंगे, जो कि आपका इंटरव्यू लेंगे, वो आपको डायरेक्ट आपके पास कॉल करेंगे, और कॉल करके आपकी जो भी बेसिक डिटेल होती है, जैसे मैंने इंटरव्यू वगैरह की वीडियो बनाई है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसलिए आपको डायरेक्ट पॉइंट पर बात बता रहा हूँ कि मैंने इंटरव्यू की वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने के बाद उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर बनाया सही तरीके से उसको पढ़ लो, अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर देना जो भी आपका कॉल पे इंटरव्यू होगा। बेसिकली आज मैं आपको ये बताने वाला था कि बहुत सारे लोग मुझे बाहर से बोल रहे थे कि भैया मुझे ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना, मुझे प्रॉब्लम हो रही, मैं वहाँ नहीं आ सकता। उनके लिए मैं तीन रास्ते बता रहा था। सबसे पहला ऑनलाइन अप्लाई, दूसरा व्हाट्सअप पे अप्लाई, और तीसरा वॉक इन इंटरव्यू। ये तीन रास्ते बता रहा था। ऑनलाइन का तरीका मैंने अभी तुरंत पहले बताया आपको कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो जो लोग भी बाहर से होते हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में कहीं बाहर से बात कर रहे हैं, या राजस्थान वगैरह से बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मुझे, तो वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। और तुरंत ही एक दिन के बाद आप तुरंत प्रिपेयर कर लेना अपना सारा इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर, जिससे कि आपको तुरंत ही कॉल आ जाएगा, और कॉल आने के बाद आप अपना इंटरव्यू अच्छे से देना, सिलेक्शन वगैरह के बारे में सही तरीके से बात कर लेना, पूछ लेना, सैलरी वगैरह सारी चीज़ आप उनसे बात क्लियर कर लेना। तो यहाँ से आप ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। रास्ता क्या है आपको व्हाट्सअप अप्लाई के लिए, मैंने जो बताया व्हाट्सअप अप्लाई आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए भी मैं अभी आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या रहेगा व्हाट्सअप अप्लाई का। थोड़ा सा मैं दोबारा से वो स्क्रीन दिखाना चाहूँगा। देखो, स्क्रीन अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे एक नंबर दिया गया, वो नंबर जो है वो एचआर का नंबर है। जब भी आप उस पर कॉल करोगे, कॉल मत करना बेसिकली, ज़्यादातर व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप नंबर है वो, व्हाट्सअप पे जाना, व्हाट्सअप पे उनको अपने रिज्यूमे, नाम वगैरह सब सेंड कर दो, जिससे कि वो जब भी उनको टाइम मिले वो आपको कॉल कर लेंगे, और कॉल करके आपका इंटरव्यू ले लेंगे। तो ये दो रास्ते हैं, व्हाट्सअप अप्लाई और वहाँ से सीधा वेबसाइट से अप्लाई, ये दो अप्लाई के रास्ते आप अपना जो इंटरव्यू है वो प्रिपेयर कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए उनको नोटिफिकेशन भेज सकते हो कि हाँ सर, मैंने इस जॉब रोल के लिए अप्लाई किया है। इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो शुरू करो,
तो उसके बाद आपका जो भी इंटरव्यू है वो अच्छे से क्लियर कर लेना आप। सारी चीज़ें मैंने बता दी है, मैंने दोबारा बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, टेक महिंद्रा वाला इंटरव्यू का, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छी खासी सैलरी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तीसरा रास्ता क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये दो रास्ते आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई वेबसाइट के थ्रू भी आप कर सकते हो, और दूसरा अप्लाई आप व्हाट्सअप के थ्रू भी कर सकते हो। दोनों के रास्ते आपको इंटरव्यू जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो मैंने बहुत दिनों से ये वीडियो नहीं बनाई थी, बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कि भैया मैं ऑनलाइन कैसे करूँ, ऑनलाइन कैसे करूँ, मैं बाहर से हूँ, मुझे नोएडा आना पड़ेगा क्या इंटरव्यू देने के लिए। और लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैं क्या प्रीफर करता हूँ, ऑनलाइन इंटरव्यू या वॉक इन इंटरव्यू। ऑनलाइन पहले वेबसाइट पर फिल करना या वॉक इन में इंटरव्यू देने जाना, क्या मैं प्रीफर करता हूँ, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो मेरा जैसे मैंने आपको जो चीज़ें मुझे जानकारी मिली जल्दी से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आगे बने रहो, अभी जो जो भी होता है आपको दिखाता रहूँगा। भाई लोग लाइन सुबह से कटा हुआ है, जब मैंने दोपहर में वीडियो बनाया था उसके बाद से ही लाइन कटा। मैंने ऑफिस का काम भी कंप्लीट नहीं कर पाया और सारा कुछ ख़त्म भी हो गया, और मोबाइल भी ज़्यादा चार्ज नहीं था, मैंने सोचा बाद में चार्ज करूँगा, लेकिन लाइन आया नहीं उसके बाद से। तो आज का दिन तो पूरा ऐसे भी दिया, कुछ शूट भी नहीं कर पाया, आधा मैंने बताया आधा नहीं बताया आपको। कोई ना, अब आज का दिन स्किप करते हैं, कल सुबह मॉर्निंग में मिलूँगा आपसे, और जो भी आधी बची हुई बात है वो सुबह बात कर लेंगे आपसे। तो चलो, मेरी तरफ़ से आज के लिए गुड नाइट। सो भाई लोग गुड मॉर्निंग, सुबह हो गया है और अभी लाइन आया है। सुबह से भी लाइन नहीं था, अब क्या पता बाहर में किसी का काम चल रहा था या क्या हो रहा था, तब जाके अभी इन्होंने ठीक किया, और ठीक करने के बाद अभी लाइन आया है, और अब जाके जो बचा हुआ ब्लॉग है मैं शूट कर रहा हूँ। तो कल मैंने आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बताया था कि टेक महिंद्रा में ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, तो आई होप आप लोगों को पता चल गया ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। अब मैं बताता हूँ कि मेरा पर्सनली क्या ओपिनियन है कि मुझे क्या करना चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए, वॉक इन इंटरव्यू देना चाहिए। तो मैं पर्सनली BPO's के अंदर जो है करता हूँ कि वॉक इन इंटरव्यू ज़्यादा बेटर होता है। वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको तुरंत ही वहाँ पर बता दिया जाता है कि हाँ आपका जो सिलेक्शन है वो कम्प्लीट हो गया, सिलेक्शन हो गया है या सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो कॉल आना, इंटरव्यू लेना, फिर उसको एक हफ्ते के बाद बताना कि फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस लग जाता है। लेकिन अगर आप बाहर से हो या किसी करेंटली बाहर किसी जॉब में, जैसे वेस्ट बंगाल में हो, वेस्ट बंगाल में आप कहीं जॉब कर रहे हो लेकिन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर दो, जॉब छोड़ो मत, जॉब छोड़ के मत आओ। अगर आप खाली बैठे हो, आपको लग रहा है कि मुझे किसी भी हालत में जॉब करनी है, तो प्लीज़ यहाँ पे आके वॉक इन इंटरव्यू दो, क्योंकि आप एक इंटरव्यू दोगे और सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर और भी 50 कंपनी है जहाँ वहाँ पे आप इंटरव्यू दे पाओगे, लेकिन ऑनलाइन एक ही का अप्लाई कर पाओगे। तो इस वजह से मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको फिक्स है कि जॉब करना ही करना है तो आप वॉक इन इंटरव्यू पर ज़्यादा प्रेफर करो, वॉक इन इंटरव्यू ज़्यादा दो। यहाँ पर जो एड्रेस मैंने बताया था वो एड्रेस पर आ जाओ, वहाँ पर आके हमेशा इंटरव्यू होता है, इनका नाम HR का जो नाम है ऊपर में आपने रिज्यूमे पर लिख दो, तो उनसे ही आपका इंटरव्यू जो है वो प्रोसेस करवाया जाएगा और आप इंटरव्यू में अच्छे तरीके से पास हो जाओगे। नहीं होगा तुरंत बगल में ही दूसरी कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है वहाँ पे आके दे दो। तो इस वजह से मैं खुद प्रीफर करता हूँ कि वॉक इन इंटरव्यू देना चाहिए, लेकिन अगर आप बाहर किसी करेंटली जॉब में अभी अवेलेबल हो, वहाँ पर जॉब कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, तो कॉल आएगा। और एक बात का ध्यान रखना, अगर कभी भी कॉल आपको उधर से आता है तो वो टेलीफोनिक नंबर से आएगा, तो कॉल रिसीव कर लेना, क्योंकि रिसीव नहीं हुआ फिर इधर से आप कॉल करोगे वो कॉल कनेक्ट नहीं होगा कभी भी। तो एक बार में कॉल आता है, एक दो दिन का टाइम लगेगा, अगर उसी समय आता तो उसी समय बात कर लो, दो तीन दिन एक दो दिन के अंदर आता है तो तुरंत कॉल पर बात करके अच्छे से बिहेव करके अपना जो भी इंटरव्यू प्रोसेस होगा सारी चीज़ें उनसे क्लियर कर लो, पूछ लो, ठीक है। तो ये था मेरा पर्सनल रीज़न कि मुझे वॉक इन इंटरव्यू देना ज़्यादा सही लगता है, लेकिन अगर आप IT में हो तो आपको वॉक इन इंटरव्यू ज़्यादा नहीं मिलेंगे, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और हाँ थोड़ा सा लुक मेरा अलग हो गया क्योंकि सुबह उठ के मैंने दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी और होली भी आ रहा था, मैंने बोला थोड़ा सेविंग वगैरह कर लेते हैं अच्छा लगेगा, तो सुबह उठ के ही मैंने सेविंग कर ली। चलो कोई ना, अभी विकास आने वाला है तो उसके लिए भी थोड़ा सा खाना पीना बनाना है, तैयारी करना है, सारी चीज़ें कर लेंगे। तो आज के इस ब्लॉग को हिट करता हूँ, मिलो मेरे से अगले ब्लॉग में। तो विकास वापस आ रहा, उसका ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगा।